हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एक और लैंग्वेज है जिसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, पीडीए डिज़ाइन करेंगे। और लैंग्वेज है एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन, बी टू द पावर एम एंड सी टू द पावर एन, वेयर एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन इक्वल। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज समझते हैं, उसके बाद इसका पीडीए डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या है, ए टू द पावर एम प्लस एन है, यानी ए पे पावर एम प्लस एन है और बी पे पावर क्या है, एम, और सी पे पावर एन है। ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। ओके, अगर सपोज दैट एम की वैल्यू वन ले लिए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा, ए टू द पावर वन, और अगर एन की वैल्यू वन है तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ए। ओके, और इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एंड सी। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू टू और नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू टू, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। ओके, तो दैट मीन्स अगर एक स्ट्रिंग और देख लेते हैं, तो अगर एम की वैल्यू सपोज दैट टू ले लिया, यानी एम की वैल्यू ले लिया टू और एन की वैल्यू सपोज दैट लिया वन, तो क्या आ जाएगा, ए थ्री टाइम्स। ओके, दैट मीन्स टू प्लस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री, तो ए कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स, और बी कितना हो जाएगा, बी टू टाइम्स और सी वन टाइम। ओके, तो नंबर ऑफ बी कितना है, टू, टू प्लस वन विच इज इक्वल्स टू थ्री विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एज। तो दैट मीन्स अगर इसका पीडीए डिज़ाइन करेंगे तो क्या करेंगे, सारे ए को पुश कर लेंगे और बी से ए को पॉप करेंगे और सी से भी ए को पॉप कर लेंगे। ओके, तो दैट मीन्स क्या है, अगर इसका हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे सिंपली, तो क्या किस तरीके से करेंगे, इनिशियली क्या है आपका जेड नॉट, तो क्या होगा इस, यानी ए रीड किया, ए पुश किया, ये ए पुश किया और इस ए को पुश किया, यानी जितने भी ए आपको मिले वन बाई वन इसको रीड किया और स्टैक में पुश करते चले गए। जैसे ही आपको फर्स्ट बी मिला, इसको इससे पॉप कर लिया, सेकेंड बी से इसको पॉप कर लिया, फिर सी से भी क्या करें, इस ए को पॉप करेंगे। दैट मीन्स बी से भी ए को पॉप करेंगे और सी से भी ए को पॉप करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, नल, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, फाइनल स्टेट। ओके, तो अब इसका पीडीए डिज़ाइन करते हैं। तो इसका पीडीए डिज़ाइन करेंगे तो स्टेट सपोज इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट, इनपुट सिंबल क्या होगा, इनिशियली ए, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट पुश ए। ओके, तो दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि इनपुट सिंबल क्या है आपका, ए स्टार्टिंग किससे हो रही, ए से, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका, जेड नॉट, तो क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट नेक्स्ट। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर इस सिनेरियो को देखेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट, अगर इसी स्ट्रिंग की बात करेंगे, तो ए को पुश कर लिया, अब क्या हो जाएगा आपका, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, इनपुट सिंबल ए, टॉप ऑफ द स्टैक ए, पुश ए। ओके, तो ये सारे ए पुश कर लिए, तो दैट मीन्स ये ए पुश हो जाएगा, ये ए पुश हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये पुश हो गया और ये पुश हो गया। ओके, तो सारे ए पुश कर लिए, उसके बाद जैसे ही आपकी बी की स्टार्टिंग होगी, तो जैसे ही बी की स्टार्टिंग होगी, तो बी टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा आपका, ए, तो क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, इनपुट सिंबल बी, टॉप ऑफ द स्टैक ए, पॉप। नेक्स्ट सपोज स्टेट स्टेट क्यू वन पे पहुँचे, तो जितने भी बी आएंगे उससे क्या होंगे, सारे ए को पॉप कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, सी की स्टार्टिंग होगी, तो सी से भी क्या करेंगे, तो दैट मीन्स अगर इस स्ट्रिंग को देखेंगे तो ये पॉप हो चुका, ये पॉप हो चुका होगा। ओके, तो अभी भी क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या होगा, स्मॉल ए, और इनपुट सिंबल क्या हो चुका होगा, सी, तो सी इनपुट सिंबल सी, टॉप ऑफ द स्टैक ए, क्या करेंगे, पॉप। ओके, स्टेट क्यू टू, तो जितने भी सी आएंगे, सी टॉप ऑफ द स्टैक ए, उसे पॉप करते चले जाएंगे। ओके, तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आपको क्या मिलेगा, नल, नल टॉप ऑफ द स्टैक ए, सॉरी, तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, नल, इनपुट सिंबल क्या होगा, नल टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट हो चुका होगा, और लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। ओके, तो इस तरीके से इसका पीडीए डिज़ाइन कर लेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ एज होंगे, तो दैट मीन स्टेट क्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमने सारे ए पुश कर लिए और ये मिला के क्या हो रहा है आपका, बी टू द पावर एम, तो दैट मीन्स ये हाफ ऑफ द पोर्शन, दैट मीन्स ए टू द पावर एम प्लस वन, दैट मीन्स क्यू नॉट, सारे ए पुश कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, बी टू द पावर एम का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन, उसके बाद जितने भी बी आएंगे वो सारे क्या करेंगे, ए को पॉप कर लेंगे। फिर सी की स्टार्टिंग होगी, सी से भी क्या करेंगे, ए को पॉप करेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ सी आएंगे, सारे ए पॉप होते जाएंगे, लास्ट में क्या होगा आपका, नल, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हम ये जो सी वाला ट्रांजिशन देखे हैं, क्या उसको हम इस स्टेट पे दिखा सकते हैं, सी टॉप ऑफ द स्टैक ए एंड नल। तो दैट मींस अगर हमें नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस करना है, फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि ये हमने क्या किया, इससे क्या हो रहा है, बी से ए पॉप कर रहे हैं और फिर सी से ए को ही पॉप कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों ट्रांजिशन इस स्टेट पर दिखा सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा आपकी, ये स्टेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो चेक करते हैं, सपोज दैट अगर यही स्ट्रिंग है,
फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज दैट अगर इस तरीके से स्ट्रिंग आ रही है, सारे ए सपोज दैट हमने क्या कर लिया, पुश कर लिया, ओके, तो दैट मीन्स ये क्या है, सपोज दैट आपका स्टैक है, ये आपका स्टैक है, इनिशियली क्या होगा, जेड नॉट, सपोज दैट ए पुश कर लिया, इस ए को पुश कर लिया, ओके, सारे ए पुश कर लिए, अब सपोज दैट यहाँ क्या होगा आपका, नंबर ऑफ ए कितना है, एम प्लस एन, और अगर सपोज दैट इस तरीके से सिनेरियो हो, ट्रिपल ए फॉलोड बाई बी फॉलोड बाई सी फॉलोड बाई बी, इस तरीके से सिनेरियो अगर आ गया, तो इसमें भी क्या है कि नंबर ऑफ ए कितना है आपका, थ्री, और नंबर ऑफ ए बी प्लस सी कितना है, वो भी थ्री है, तो अगर ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो ये तो लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, तो अगर इस स्टेट को यहाँ शो करेंगे तो ये भी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी, कैसे, क्योंकि क्या हो रहा है, बी से हम क्या करें, इस ए को पॉप कर लिए, नेक्स्ट सी से क्या करें, इस ए को पॉप कर लिए, ओके, यानी नेक्स्ट सी से क्या करें, ये वाला ए पॉप कर लिए, उसके बाद अगर कहीं बी मिला इससे क्या करेंगे, ए को पॉप करेंगे, क्योंकि इस दोनों ट्रांजिशन सेम स्टेट पे दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों ट्रांजिशन सेम स्टेट पे दिखाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एक्स्ट्रा स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसको सेपरेट दिखाएंगे, ओके, तो ये इसका हो जाएगा पी डी ए टू द पावर एम प्लस एन बी टू द पावर एम सी टू द पावर एन वेयर एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन का, ये गया आपका पी डी ए, ओके। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये आपके लैंग्वेज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम प्लस एन हो गया, ओके, तो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, ए टू द पावर एम प्लस एन, यहाँ बी पे एम प्लस एन लिख दिया और सी टू द पावर एम है, तो इसका पी डी ए कैसे डिजाइन करेंगे, तो सिंपली क्या करें, अगर इस लैंग्वेज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन बी टू द पावर एम सी टू द पावर एम, ओके, दैट मीन्स एम प्लस एन को एन प्लस एम भी लिख सकते हैं, और इन दोनों को अगर स्प्लिट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, तो अगर इसका पी डी डिज़ाइन करेंगे तो सिंपली क्या करें, ए को स्टैक में पुश कर लिया, और जितने भी ए पुश किए होंगे वो किसके इक्वल होंगे, बी के इक्वल होंगे, तो इस बी से क्या करें, ए को पॉप कर लेंगे, ओके, उसके बाद जब ये आपके मतलब ए ख़त्म हो जाएंगे स्टैक से, तो क्या होगा, बी बी से फिर क्या करेंगे, इस बी को पुश करना, यानी इससे ए को पॉप करेंगे तो स्टैक कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, जेड नॉट, तो क्या करेंगे, बी जब टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट मिलेगा तो फिर पुश करना स्टार्ट करेंगे, तो सारे बी पुश कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सी से पॉप कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रिंग है टू टाइम्स ए, या अगर एन की वैल्यू टू ले लिया और एम और एन की वैल्यू अगर टू है तो क्या हो जाएगा, बी बी फोर टाइम्स बी, एम प्लस एन कितना हो जाएगा, दैट मीन्स एम की वैल्यू क्या है, टू, और एन की वैल्यू क्या है, टू, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सी सी, ओके, तो क्या करेंगे, इनिशियली क्या करेंगे, ये आपका जेड नॉट है, ए को क्या किया, स्टैक में पुश कर लिया, और इस बी से क्या किया, इसको पॉप किया, इस बी से क्या किया, इसको पॉप किया, लेकिन जैसे ये बी मिला तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, जेड नॉट, तो अब क्या करेंगे, पुश करना स्टार्ट करेंगे, तो दैट मीन्स नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इस बी को रीड करेंगे, बी पुश करेंगे, इस बी को क्या करेंगे, पुश कर देंगे, इस सी से इसको पॉप करेंगे, इस सी से इसको पॉप करेंगे, तो ये स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका नल, टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, फाइनल स्टेट, तो अब इसका पी डी डिज़ाइन करते हैं, तो क्यू नॉट इनपुट सिंबल ए और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, इनिशियली जेड नॉट, तो क्या करेंगे, ए को पुश कर देंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, ए जेड नॉट, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जितने भी ए आएंगे उन सारे ए को पुश करते चले जाएंगे, क्योंकि अब टॉप ऑफ द स्टैक ए हो चुका होगा, तो ये सारे ए पुश हो गए, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आपकी बी की स्टार्टिंग होगी, दैट मीन्स बी टॉप ऑफ द स्टैक ए होगा और इसको पॉप करना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सपोज दैट क्यू वन स्टेट में इनपुट सिंबल भी टॉप ऑफ द स्टैक ए नल, तो दैट मीन्स जितने भी आप ए पुश कर चुके होंगे, दैट मीन्स टू टाइम्स ए पुश होगा, तो इन टू यानी वन एंड टू, टू बी से क्या करेंगे, ए को पॉप कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका थर्ड बी आएगा तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका होगा, जेड नॉट, ओके, तो क्या करेंगे, या तो हम नेक्स्ट स्टेट पे भी जा सकते हैं या तो इसी स्टेट पे भी दिखा सकते हैं, यानी बी टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका होगा, जेड नॉट पुश बी, ओके, क्योंकि ये ट्रांजिशन क्या है, बी टॉप ऑफ द स्टैक ए, और ये ट्रांजिशन क्या है, बी टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, तो दैट मीन्स ये वाला ट्रांजिशन इससे पहले कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले ये सारे ट्रांजिशन एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, यानी जितने भी ए पॉप हो चुके होंगे उसके बाद ही ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो सिंपली क्या आएगा, बी नेक्स्ट बी आएगा उसको क्या करेंगे, आप पुश करते चले जाएंगे, तो सारे बी पुश कर लिए, दैट मीन्स यहाँ तक का ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया, यानी कंप्लीट हो गया, सॉरी, नेक्स्ट क्या होगा, सी, सी की जैसे ही स्टार्टिंग होगी, यानी सी टॉप ऑफ द स्टैक अब क्या हो चुका होगा, बी, क्योंकि सारे बी हमने पुश कर लिए, अब इसको क्या करेंगे, पॉप, तो ये सारे पॉप हो जाएंगे, सपोज द स्टेट है क्यू टू, ओके, तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट सी टॉप ऑफ द स्टैक बी,
तो सारे क्या हो जाएंगे, इन सी से सारे बी को, यानी ये आपका क्या है, ये जितने भी बी आपने पुश किए होंगे इन सारे को पॉप कर लेंगे। उसके बाद नल टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। तो दैट मीन्स अगर देखा जाए तो ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेट क्या आपका ए टू द पावर एन, और ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला और ये वाला ट्रांजिशन। दैट मीन्स अगर इस और इस ट्रांजिशन को कंबाइन करेंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी टू द पावर एन, और ये ट्रांजिशन क्या शो कर रहा है कि ये बी टू द पावर एम है। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ यानी ए पावर एन यहाँ तक हुआ, इन दोनों ट्रांजिशन को मिला के क्या आ रहा है, बी टू द पावर एन, दैट मीन दिस, और ये ट्रांजिशन क्या शो कर रहा है आपका, बी टू द पावर एम। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये दोनों ट्रांजिशन अगर ये और ये ट्रांजिशन कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, सी टू द पावर एम, और ये आपका लास्ट ट्रांजिशन है, दैट मीन्स नल। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल स्टेट। तो इस तरीके से इस लैंग्वेज का पीडीएफ डिज़ाइन हो जाएगा, और यहाँ ये यानी इस स्टेट पे इसको हम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल अभी डिस्कस किया है वहाँ हमने रिपीट नहीं किया था, क्यों, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसलिए हम यानी इसको हम नेक्स्ट स्टेट पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितने भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट में अगर हम पीडीए या फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन कर लें, यानी मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, तो वो ज़्यादा सही होता है। तो इसलिए क्या होगा, इस स्टेट को हम रिड्यूस करेंगे, वैसे एक स्टेट और हम बढ़ा के इसको कर सकते थे, इसका ट्रांजिशन इधर दिखाते तो ये स्टेट एक और बढ़ जाती, लेकिन यहाँ अगर हम इस यानी इस ट्रांजिशन को दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो वेल एंड गुड। तो ये आपका पीडी हो जाएगा इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ क्या है, एल इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर एम प्लस एन। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में यहाँ एम प्लस एन था, सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ था, अब लास्ट वाले में यहाँ है, तो इसका पीडीए डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, अब क्या है आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सी के इक्वल होगा। ओके, तो सिंपली क्या करें, ए को भी स्टैक में पुश कर लेंगे और बी को भी स्टैक में पुश कर लेंगे, और सी से क्या करेंगे, बी को पॉप करेंगे, उसके बाद ए को पॉप कर देंगे। तो देखते हैं इसका ट्रांजिशन डाइग्राम कैसे होगा। इनिशियल स्टेट आपका क्या होगा, क्यू नॉट इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट पुश ए। ओके, नेक्स्ट होगा इनपुट सिंबल ए टॉप ऑफ द स्टैक ए, इस ए को पुश कर लिया, तो ये ट्रांजिशन क्या शो कर रहा है आपका, ए टू द पावर एन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, बी टू द पावर एम, तो ए टू द पावर एम दैट मीन्स ये हो जाएगा, तो बी टू द पावर एम के लिए हम डिफरेंट ट्रांजिशन यानी इधर स्टेट क्यू वन पे भी जा सकते हैं या इस स्टेट पे भी दिखाएं, तो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, चेक करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, बी इनपुट सिंबल बी और टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो जाएगा ए, क्योंकि सारे ए पुश कर लिए, तो दैट मीन्स ये क्या आपका ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन वाला ट्रांजिशन जब कंप्लीट होगा तभी हम बी टू द पावर एम पे पहुंचेंगे। तो अब इनपुट सिंबल क्या होगा, बी, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका होगा, ए, तो क्या करेंगे, इसको भी पुश करेंगे, बी टॉप ऑफ द स्टैक बी क्या करेंगे, इसको भी पुश कर लेंगे, तो ये ट्रांजिशन क्या शो कर रहा है आपका, बी टू द पावर एम। उसके बाद जैसे ही आपकी सी की स्टार्टिंग होगी, तो सी की जब स्टार्टिंग होगी तो क्या करेंगे, सी टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा आपका, बी। ओके, क्योंकि बी पुश किए होंगे तो दैट मीन स्टैक में किस तरीके से एलिमेंट, अगर ये स्टैक इस तरीके से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ए और बी बी, दैट मीन्स इस तरीके से आएगा। तो अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका होगा, बी, तो पहले इन दोनों को पॉप करेंगे, तो सी टॉप ऑफ द स्टैक बी पॉप, तो जितने भी सी होंगे सी टॉप ऑफ द स्टैक बी, और इसको पॉप कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब आपका क्या होगा, टॉप ऑफ द स्टैक ए हो चुका होगा, तो दैट मीन्स ये स्ट्रिंग अगर देखें तो क्या है, ए ए बी बी एंड सी सी, तो इस सी सी ने सी फोर टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एम अगर एम की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू टू है और एम की वैल्यू टू है, तो टोटल फोर है, तो सी भी कितने होंगे, फोर होंगे। तो अब इस फर्स्ट सी से क्या करें, इस बी को पॉप करेंगे, इस सेकेंड सी से इस बी को पॉप करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपका सारा पॉप हो चुका होगा, उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद अब सारे ए को पॉप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनपुट सिंबल सी टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो चुका होगा, ए, तो क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, क्यू, सपोज दैट स्टेट क्यू टू है, इनपुट सिंबल सी टॉप ऑफ द स्टैक ए पॉप, यानी इस सी से क्या होगा, ये वाला पॉप हो चुका होगा, इस सी से क्या होगा, ये पॉप हो चुका होगा, लास्ट में क्या बचेगा आपका, नल टॉप ऑफ द स्टैक जेड नॉट, लीव इट जेड नॉट एंड गोज टू फाइनल स्टेट। ओके, तो ये हो जाएगा इसका पीडीए, इस तरीके से हमने पीडीए डिज़ाइन कर लिया। तो क्या हुआ था, यहाँ पे हमने क्या किया, ये डिफरेंट ट्रांजिशन शो किया है। ओके, तो ये जो डिफरेंट ट्रांजिशन शो किया है, तो क्या हम इस पे जैसे प्रीवियस केसेस में क्या किए हैं, स्टेट्स को मिनिमाइज़ किए हैं, तो क्या ये ट्रांजिशन हम यहाँ दिखा सकते हैं, यानी इस तरीके से अगर दिखाएँ, सी टॉप ऑफ द स्टैक ए एंड नल, ये अगर दिखाएँ तो डायरेक्ट क्या होगा, ये आपकी
स्टेट्स यानी ये वाला ट्रांजिशन और ये वाला ट्रांजिशन कम नहीं होगा तो सीधे क्या करेंगे इस तरीके से दिखा देंगे। ओके तो चेक कर लेते हैं, यानी क्या होगा ये भी मतलब वर्क करेगा प्रॉपरली। क्यों करेगा? क्योंकि स्टैक में जो एलिमेंट पुश होंगे जेड नॉट, सपोज दैट पहले ए पुश होगा उसके बाद ए पुश होगा, नेक्स्ट आएगा बी, नेक्स्ट आएगा बी, तो सी से जब इसको पॉप करेंगे, ये सारे जब पॉप हो चुकेंगे तो इसका मतलब ये है कि टॉप ऑफ द स्टैक बी से, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक बी के, यानी बी के बाद ही आपका ए होगा, यानी एलिमेंट बी के नीचे ही ए होंगे, कभी ए ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने ए को पुश किया, बाद में क्या किया बी को पुश किया। ओके तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये वाला ट्रांजिशन ना दिखा के यहाँ हम दिखा देंगे, तो ये भी क्या होगा, ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि पहले ए पुश हो रहा है उसके बाद बी पुश हो रहा है, तो कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी ही नहीं कि ये वाला ट्रांजिशन पहले एग्जीक्यूट हो। ओके क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जिस ऑर्डर में वो हम क्या करेंगे पुश करेंगे उसी ऑर्डर में क्या होगा पॉप, यानी उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप होता है। अगर ए पहले पुश हुआ है तो पॉप पहले क्या होगा बी होगा। ओके यानी ए पहले पुश किया उसके बाद बी पुश किया, तो ये क्या आपका ए टू द पावर एन और ये क्या आपका बी टू द पावर एम, तो दैट मीन्स इस बी टू द पावर एम, इसका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, ए टू द पावर एन पहले पुश होगा उसके बाद बी टू द पावर एम होगा। ओके तो इसका मतलब पहले ये ट्रांजिशन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये ट्रांजिशन इससे पहले कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा आपका काम करेगा। तो दैट मीन्स अगर इस ट्रांजिशन को इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, सिंपली इसको इस तरीके से दिखा देंगे। ओके तो ये हो जाएगा आपका पीडीए।